बना के रखा है, मतलब यही तो हमारी रियलिटी है स्वरा। और इस घर का काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नौटंकी कहेंगे। धोनी बेटा, तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं है। दादू, ये तो हमारी ड्यूटी है। और ये सब छोड़िए, इतनी खुशी का माहौल है, आप सब अपना मुंह मीठा कीजिए, हम जूस सर्व कर देते हैं। ये लड़की करना क्या चाहती है? चलो अरे काहे का ओके, मुंह मीठा करना था, शरीर नहीं। जरा बताइए, अगर ये जूस के जगह गर्मा गर्म कॉफी होती तो इट्स ओके हो पाता है? अरे एक काम इस लड़की से ढंग से नहीं होता है, खाली बॉटम के जैसा गोल गोल आंख लेके स्टाइल मारने आता है। नानी अब बस भी कीजिए, हो जाती है गलती। सॉरी साहब। ध्वनि, इट्स ओके नाउ, स्वरा सही कह रही है, रिलैक्स हो जाओ, वॉशरूम चलिए, अब वहां क्लीन कर लीजिएगा। जाओ बेटा। आप लोग बैठिए बैठिए, हो जाता है, इसमें क्या है। ध्वनि प्लीज, ध्वनि प्लीज प्लीज, हमें साफ साफ बोलना बंद करो। तुम क्यों ना गए साहब, और क्या कहे, अब तो आप हमारे लिए साहब हैं। स्टॉप इट ध्वनि, ध्वनि ध्वनि, यू नो व्हाट विधान, हमें हमारी हैसियत से ही पता थी, तो फिर भी हम स्वरा के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करने जा रहे थे, तो फिर तुम आए, तुमने हमें झूठे प्यार के सपने दिखाए,
और फिर यहाँ आकर पलट गए तुम। ऐसा नहीं है धोनी, हमारा प्यार झूठा नहीं है। I really love you. Really? तो फिर तुम किसी और से शादी करने के लिए कैसे मान गए? Now I understand. हम तो बस एक टाइम पास मटेरियल थे तुम्हारे लिए। शादी करने के लिए तुम्हें एक पैसे वाली लड़की चाहिए थी, जो तुम्हारे क्लास की हो, तुम्हारे स्टेटस से मैच करती हो, चाहे वो बेजुबान क्यों ना हो। Am I right? तुम क्या बोल रही हो धनी? ध्वनि, वो हम बस इन्हें वॉशरूम बता रहे थे। वहां है वॉशरूम, आप जाइए। बात के लिए कोई थप्पड़ मारता है क्या? बेचारी ध्वनि, उसे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। चल यहाँ से, अभी तेरी नौटंकी निकालते हैं हम। चल चल, अम्मा अगर किसी खास चीज की व्यवस्था करनी हो तो बता दीजिएगा। हमने पंडित जी से बात की थी, उन्होंने कहा है कि शाम तक वो बता देंगे कि मुहूर्त के लिए कौन सा समय सही रहेगा। हे भगवान, इस वेदांत ने तो रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, अब हमें इस विधवा को श्लोक की दुल्हन बना के अपने घर लाना होगा। ये वेदांत और ध्वनि कहाँ रह गए? स्वरा कह रही है कि वो जाकर देख के आती है। सब सुना है हमने, कितना झूठ बोलती है तू मक्कार। काहे पीछे पड़े तू स्वरा और वेदांत जी के? कहाँ मिलेगा तुझे उनका रिश्ता तोड़कर? शर्म कर ध्वनि, तूने बचपन से स्वरा के कपड़े, गहने, खिलौने, जेवर सब छीने, यहां तक कि उसके पैसों से अपने लिए गाड़ी भी खरीद लाई। अब काहे उसका सुहाग छीनना चाहती है? सिर्फ चाहते नहीं बल्कि छीन कर रहेंगे।